मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहल पर मंगलवार को 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 21,500 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची। इस दौरान सभी श्रमिकों को ट्रेन से उतारने के बाद 1 मीटर की दूरी के घेरे में खड़ा करके उनका नाम पता नोट किया गया। उसके बाद उनको फल, बिस्किट, लंच पैकेट और पानी, छोटे बच्चों को दूध देने के बाद उनको उनके जिले के बसों में बैठा कर उनके गंतव्य को रवाना किया गया। बसों में सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को बैठा कर रवाना किया गया। इस संबंध में ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि श्रमिकों को ट्रेन से उतरने के बाद उनका डिटेल नोट किया जा रहा है। उसके बाद उनको सोशल डिस्टेंस का पालन कराते हुए एक बस में 25 से 30 यात्रियों को उनके जिलों की बसों में बैठाकर रवाना किया जा रहा है। सभी मजदूरों को लंच पैकेट, बिस्किट, फल और पानी, छोटे बच्चों को दूध का पैकेट दिया जा रहा है। स्टेशन पर यूपी के कई मंडलों के यात्री आ रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्रमिक अनिल कुमार यादव, हरेंद्र, योगेश, राजकुमार, नशीम और ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आगे बढ़ते रहिए, यदि कोई गाड़ी भर जाए तो आगे बढ़ाइए, कोई पीछे से नहीं आएगा, पूरा ऐसे घोरा दिए, गाड़ी में नहीं बैठेंगे। हरेंद्र गुंटूर जिला से। कहाँ जाएंगे? आजमगढ़ जाना है सर। सरकार के द्वारा, योगी सरकार द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है जी सर, कहना चाहेंगे जी? जो वो हमें हमारे घर तक पहुँचाने का जिम्मा ले रखे हैं। योगेश कहाँ जाएंगे? गाजीपुर। अनिल कुमार यादव कहाँ जाएंगे आप? कुशीनगर। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है? हाँ सरकार के द्वारा पहुँचाया जा रहा है। कैसा लग रहा है? कैसा कैसा लग रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे सरकार द्वारा? ठीक ही लग रहा है, ठीक व्यवस्था, सक्सेस गवर्नमेंट अच्छा व्यवस्था की है। राजकुमार आ जाएंगे? रायबरेली। सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कहना चाहेंगे? हाँ। नसीम नाम। कहाँ जाएंगे? अभी हमें जाना है सुल्तानपुर। सरकार के योगी सरकार के द्वारा घर पहुँचाया जा रहा है, कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे सर, अच्छा है, काफ़ी दिन से फंसे हुए थे वहाँ पे। आज गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे 17 ट्रेनें शेड्यूल्ड हैं, जिसमें से 7 ट्रेनें, अभी तक 7वीं ट्रेन आई है और ये चंडीगढ़ से आई है। सोशल डिस्टेंसिंग करके सभी डब्बों में बैठा के यात्री आ रहे हैं। स्टेशन पर भी गोलों में खड़े होकर अपने काउंटर तक जा रहे हैं, जहां पर इनका ऑक्सीजन लेवल, ब्लड का चेक किया जा रहा है।
और 60 साल से या 60 साल के अवर से लोगों का भी चेक किया जा रहा है, और इसके बाद उनको रिफ्रेशमेंट है, फूड पैकेट है, वाटर बॉटल है, बंद है, बिस्किट्स हैं, ये सब देने के बाद इन लोगों को यहाँ से रवाना करा जा रहा है। सभी पीछे लाइनें लगी हैं, बस में बिठा के भेजा जा रहा है। यहाँ पर कहाँ कहाँ किन किन मंडलों के यात्री हैं? यहाँ पर कई मंडल के हैं, गोरखपुर के भी हैं, बस्ती के भी हैं, आजमगढ़ के भी हैं, इलाहाबाद मंडल के भी हैं, मिर्ज़ापुर मंडल के भी हैं, इसके अलावा ये चित्रकूट धाम मंडल के भी हैं, लखनऊ मंडल के भी हैं, कानपुर मंडल के भी हैं, और इस तरह कई मंडलों के जनपदों से में से के लिए आ रहे यात्री, उन्हें बसों में बैठाकर सुरक्षित समय से उनके घर भेजा जाए।